हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन है और मैं माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर स्कूल एडमिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर मैं स्कूल एडमिन के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा ध्यान आपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ हमारे सर मैडम लोग सुबह से पेन उठाते हैं और फिर शाम को वापस रखते हैं। फिर वही कैलकुलेशन कि कितना पैसा आया, कितना पैसा बाहर गया, किस किस की फीस कितनी पेंडिंग है। सीरियसली बहुत हेक्टिक होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्लास टीचर और लाइब्रेरी मैडम की होती है। क्लास टीचर अपने 5 से 10 मिनट्स सिर्फ अटेंडेंस लगाने में ही वेस्ट कर देते हैं, और लाइब्रेरी मैडम का तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है कि कितनी बुक्स का ट्रैक करना, कि कितनी बुक्स अंदर आई, कितनी बुक्स बाहर गई, कौन सी बुक्स किस बच्चे को पास अभी तक नहीं रिटर्न हुई है। सीरियसली बहुत मुश्किल होता है एक स्कूल को सही तरीके से चलाना। इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क। अगर मैं आपको बोलूँ कि सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास तो कैसा रहेगा? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ जी, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में, जहाँ अपने सारे एडमिनिस्ट्रेशन काम बहुत जल्दी कर सकते हैं और स्कूल टीचर्स का वर्क प्रेशर भी 60-70% कम कर सकते हैं। चलिए अब हम लॉगिन करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में और चेक करते हैं कि क्या क्या वर्किंग हम उसमें से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारे डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि अपकमिंग बर्थडेज, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे का बर्थडे कब आ रहा है, अपकमिंग हॉलीडेज, कौन कौन से यूजर्स करंटली लॉग्ड इन है सॉफ्टवेयर में। फिर आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि किस क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, और साइड में आपको जो छोटा सा ग्राफ मिल जाएगा इसमें आपको काउंट भी मिल जाएगा कि आपको गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितनी हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। लास्ट में आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको ये ग्राफ के थ्रू आपको पता चल जाता है कि इनकम कितनी हो रही है और एक्सपेंस कितनी हो रही है, इस किस मंथ में कितना एक्सपेंस हुआ, किस मंथ में कितना इनकम हुई है, और आपको वैल्यू भी पता चल जाती है। अगर आपको मंथ वाइज यही डेटा देखना है तो मंथ वाइज भी आप डेटा देख सकते हैं। चलिए चलते हैं बाकी दूसरे मॉड्यूल्स के लिए। एडमिन मास्टर, एडमिन मास्टर में अपने स्टूडेंट्स की सारी फीस कलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस किस बच्चे कितनी फीस पेंडिंग है, स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, स्टाफ की सैलरी कॉन्फिगर कर सकते हैं, स्टाफ की सैलरी पे भी कर सकते हैं, और कलेक्शन भी देख सकते हैं किस दिन में कितना कलेक्ट हुआ, किस मंथ में कितना कलेक्ट हुआ। सो आपको एडमिन मास्टर के थ्रू सारा पता चल जाएगा। सेकेंड मॉड्यूल है स्टूडेंट फॉर्मेशन। स्टूडेंट फॉर्मेशन में आप स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उनकी फोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, अटेंडेंस वगैरह लगा सकते हैं, अटेंडेंस मंथली हो, टाइम टेबल ऐड कर सकते हैं, और डायरी असाइनमेंट भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड मॉड्यूल है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है एग्जाम कॉन्फिगरेशन को डिफाइन करने के लिए, जिससे आपने सारे स्टूडेंट का एग्जाम्स लेने के बाद कॉन्फिगर करके अपना रिजल्ट में मार्क्स एंटर करके और डायरेक्टली आप अपने रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, और फाइल चेक भी कर सकते हैं कि कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कार्ड लगानी है आपको, कैसे चेक करना है आपके अकॉर्डिंग, जैसा भी होगा जैसी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें आप वापस कर सकते हैं कि 30% लेना है टेस्ट का या 50% लेना है, जैसे आपका स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी वैसे चलते। फोर्थ मॉड्यूल है इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल में आप अपने मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी चाहे यूनिफॉर्म्स हो, चाहे स्टेशनरी के आइटम्स हो, उनकी कैटेगरीज वाइज बना के आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉक को भी आप मेंटेन कर सकते हैं कि स्टॉक का अगर परचेज किया तो कहाँ से परचेज किया, कितना स्टॉक परचेज किया, और फिर उसकी रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। लाइब्रेरी मास्टर, लाइब्रेरी मास्टर इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी मैडम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी मैडम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ पे सारी बुक्स आपकी जो जो ऐड कर सकते हैं, जितनी बुक्स है लाइब्रेरी सारी ऐड करिए, कौन से शेल्फ में है, कौन सी आपको लोकेशन ऐड करनी है, पब्लिशर ऐड करना है। सबसे अच्छी बात है कि आपको एक बाई एक ऐड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर इशू कर सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के थ्रू, रिटर्न ले सकते हैं और चेक कर रेफरेंस बुक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो आप लाइब्रेरी में चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आप लाइब्रेरी में वो भी रेफरेंस बुक भी ऐड कर सकते हैं। मास्टर्स मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्फिगरेशन के लिए, जैसे कि आपको आपकी स्कूल के क्लासेस सेक्शन सब्जेक्ट क्लास सब्जेक्ट, या फिर कोई कास्ट ऐड करनी हो, फीस डिफाइन करनी हो, या फिर अकाउंट ऐड करना हो, तो उसमें आप सारे मास्टर्स मॉड्यूल में सारी बेसिक सेटिंग आप मास्टर मॉड्यूल के थ्रू करेंगे। ट्रांसपोर्ट मास्टर, ट्रांसपोर्ट मास्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपकी बसेस चल रही है स्कूल में तो कौन सी बस किस टाइमिंग पे आ रही है, कौन कौन से स्टॉप पे किस किस टाइमिंग पे पहुंचेगी, और कौन सा स्टूडेंट कौन सी बस में जाएगा, इवनिंग में कौन सी बस में जाएगा, मॉर्निंग में कौन सी बस से आएगा, ऐसी बस स्टूडेंट को ऐड करने के साथ साथ आप स्टाफ को भी कर सकते हैं, और ड्राइवर भी असाइन कर सकते हैं कि कौन सा ड्राइवर किस बस को लेकर जा रहा है, और फिर रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कभी भी। SMS एंड ईमेल अलर्ट्स, ये मॉड्यूल में आप अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या स्टाफ को, जिसको भी SMS भेजना चाहें सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप डायरेक्टली बस क्लिक करके भेज सकते हैं।
आप कुछ टेम्पलेट्स बना लीजिए, मैसेज टाइप करिए और भेज दीजिए। अगर आप मैसेज पहले से आपके पास ऑलरेडी सेव है तो आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत है, सीधा सेलेक्ट करिए, सेंड करिए और भेजिए। फी रिपोर्ट्स, बुक्स रिपोर्ट्स, स्टूडेंट रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स, ये सारे मॉड्यूल आपके यूज़ होते हैं सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए। जैसे कि आपने जो जो काम पहले किया है उसकी रिपोर्ट्स अगर आपको निकालनी हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। मोर देन 35 प्लस रिपोर्ट्स हैं सॉफ्टवेयर में जो आपको बहुत ही हेल्प करती हैं आपके डेटा को ट्रैक करने के लिए। आप अपने डेटा को ट्रैक कभी भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट फाइल में सेव करना चाहें रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट में कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं, आईडी कार्ड जनरेट करा जैसे अपने आईडी कार्ड जनरेट करके आप सेव कर सकते हैं, कभी भी प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम इसके देखने के इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस सबसे पहला है कि आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। टाइम का मतलब, कहने का मतलब है कि आप अपने जैसे कि आपने आपका 60-70% टाइम आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सेव कर सकते हैं, चाहे वो फी कलेक्शन के लिए हो या स्टूडेंट या स्टाफ के डेटा को ऐड करने के लिए हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैनुअल वर्क आपका बहुत ही कम हो जाता है। 60-70% आप अपना मैनुअल वर्क सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चलते हुए यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे अच्छी प्रॉब्लम ये कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का हेक्टिक वर्क खत्म हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत ही ईजी हो जाता है। उससे अच्छी बात तो मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकती। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रैक करना डेटा को। ऐसा ही नहीं है कि आपको मैंने जैसे बताया कि आपने सारा अपने काम कर लिया, आप नेक्स्ट ईयर में गए तो आपका डेटा ट्रैक नहीं हो पा रहा। आपका डेटा हर समय ट्रैक हो सकता है, किस ईयर में आपने कितना इनकम किया, कितना गेन किया, किस स्टूडेंट कौन से बैच में था। अगर आपको कोई स्टूडेंट टीसी लेके भी चला जाता है उसका डेटा ट्रैक करना, सारा ट्रैक का डेटा नंबर ऑफ मल्टीपल ईयर्स तक आप यूज़ देख सकते हैं। जब तक आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे तब तक आप देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ट्रैकिंग का डेटा की भी आपका प्रॉब्लम खत्म। तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा काम यह है कि पेरेंट्स लॉगिन है इसमें। पेरेंट्स लॉगिन, अगर आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी इसमें लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की डिटेल, जैसे कि एग्जाम्स में कितने नंबर हैं, अटेंडेंस कितनी है, नोटिस बोर्ड में क्या है, असाइनमेंट क्या क्या मिले हैं, या फिर कोई और डिटेल देखना चाहें कि कौन सा होमवर्क क्या मिला, कब अपकमिंग हॉलीडेज कौन सी है, अगर उन्हें कोई प्लान करना है तो सारी डिटेल। और ये कस्टमाइजेबल है, अगर आप चाहेंगे कोई और डेटा दिखाना का पेरेंट्स को तो वो भी दिखा सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि पेरेंट्स भी अवेयर रहते हैं कि आपके भैया स्कूल में हमारा बच्चा काम कैसे कर रहा है, और पेरेंट्स अगर खुश है तो स्कूल खुश है, स्कूल खुश तो सब खुश। अटेंडेंस का एसएमएस, जैसे कि सुबह आपके में भैया बच्चा आया, आपने उसकी अटेंडेंस मार्क करी, डायरेक्टली सेंड करी एसएमएस, पेरेंट्स को जाएगा कि भैया आपका बच्चा इस स्टूडेंट पे इतने टाइम पे आ गया, इतने बजे आपका बच्चा प्रेजेंट। तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती, सबसे सब उन्हें पता चल जाता है कि भैया हमारा बच्चा सही से पहुँच गया, टेंशन फ्री रहते हैं दिन भर। फिर मैंने आपको बताया क्विक रिपोर्ट्स। क्विक रिपोर्ट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि मैंने आपको बताया कि 30 से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं इसमें। सबसे अच्छा फ़ायदा उसका कि कभी भी आप डेटा को ट्रैक करिए, हमेशा के लिए आपके पास सेव रहेगा। आप हमने अगर आपको सेव करके आपको हमने किसी ड्राइव में रखना है, आप ड्राइव में रखिए, पीडीएफ में जनरेट कर लीजिए, आप अपने ड्राइव किसी में भी अपलोड कर सकते हैं, आपको जहाँ भी कुछ जहाँ से लगता है आपको सेव कर सकते हैं, सेव करिए डेटा को। अगर आप नहीं भी सेव करेंगे तो सॉफ्टवेयर में हमेशा रहेगा, आप कभी भी जनरेट कर सकते हैं। इस सब एडवांटेज के अलावा ऑटोमेटिक बैकअप एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। ऑटोमेटिक बैकअप का मतलब आपका डेली का डेली सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक बैकअप होता रहता है, जिससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अपने डेटा को अगर कभी भूल गए, सिस्टम क्रैश हो गया, कोई भी बात हो गई, आप अपने डेटा को बैकअप से रिस्टोर कर लीजिए, तो डेटा की लॉस की भी प्रॉब्लम खत्म। मल्टीपल यूज़र लॉगिन भी है। मल्टीपल यूज़र लॉगिन, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं अपना काम डिवाइड कर दूँ, किसी और स्टाफ को या स्टूडेंट को दे दूँ, या फिर किसी भी बच्चा है कोई और काम कर दे, तो आप अपने उसका यूज़र लॉगिन बनाइए, उसका अथॉरिटी असाइन करिए, जो भी अथॉरिटी आप असाइन करना चाहते हैं, एडमिन अगर है, मैनेजर रोल है, जो भी आप असाइन करिए, आप उसके लॉगिन बना के आप उसे काम दे दीजिए, वो अपना काम करता रहेगा, अपडेट कर देगा। और आपको ये भी पता चल सकता है, अगर आप एडमिन यूज़र हैं तो आपको ये पता चल सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे रिफ्रेश करके कि कौन कौन से यूज़र्स में लॉगिन है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को, ये फ्री सॉफ्टवेयर है हमारा, आप डाउनलोड करिए, यूज़ करिए सॉफ्टवेयर को, चेक करिए कि आपके स्कूल के लिए कितना हेल्पफुल है। अगर सीरियसली हेल्पफुल है तो कांटेक्ट करिए हमारे मार्वल सॉफ्ट को, मार्वल सॉफ्ट की डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंड कॉल करिए, वी विल वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।